पौड़ी जनपद के पेट्सलेव पटरी के नसरी गांव में कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जानलेवे हमले के बाद ग्रामीण लहूलुहान हालत में युवक को पौड़ी जिला अस्पताल लेकर आए। युवक के गंभीर हालात को देखकर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा युवक को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में युवक का इलाज किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में पटवारी चौकी द्वारा 6 लोगों के खिलाफ मारपीट जान से मारने के मामले में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आरोप है कि जिन लोगों ने यह हमला किया है वो पौड़ी विधायक के आदमी है। युवकों का कहना है कि जिन लोगों ने दिलीप रावत पर हमला किया है वो विधायक पौड़ी के कार्यकर्ता है। वो रोज किसी न किसी बहाने अन्य लोगों के साथ भी इस तरह की हरकत पूर्व में भी कर चुके हैं। पूरे मामले पर डीएम पौड़ी ने बताया कि मारपीट के मामले में कार्रवाई की जा रही है। जरूरत पड़ने पर राजस्व पुलिस के अलावा रेगुलर पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। वहाँ पे उससे बातचीत कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, इतने में एक दूसरा लड़का आता है जो थोड़ा सा ट्रेन कर रखा था और वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो वो कुछ गलत तरीके से बात करने लगता है कि इतने रात में तुम यहाँ कैसे है। मैंने कहा ये तो हमारा ही गांव है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी दूसरे गाँव में थोड़ी ना रहते हैं। कहा सुनी हुई, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने भी उसका कॉलर पकड़ा था। बाकी उन्होंने इतने में वो तीन चार आ गए तो उन्होंने मुझे एकदम से पकड़ के नीचे गिरा दिया और मारने लगे। पीछे भाई ने बोला मेरे भाई कि वहाँ चलते हैं, थोड़ा उसे भी मुलाकात हो जाएगी और फिर जो है कि उसे पूछ लेते क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने जो है उन्होंने सोचा कि हमको मारने के लिए आ रखे हैं, उन्होंने जो है कि हथियार उतार उठाएगी। मैं भी था इसके साथ, मैं वहाँ से निकल गया और उन्होंने मार दिया इसको पत्थरों से, दरांती से, हर चीज़ से। इस संबंध में जो प्रकरण मारपीट का जो प्रकरण हमारे संज्ञान में आया उसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जानी है रेवेन्यू पुलिस के माध्यम से, और आवश्यकता पड़ी तो रेगुलर पुलिस के माध्यम से।